ओके स्टूडेंट्स, क्लास 7 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 आज करना है। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ा लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इजी, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, फाइंड द मार्कअप ऑन ए प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 75,500 एट द रेट ऑफ 9% पर एनम फॉर फोर इयर्स। ये तो आपको सब कुछ दे दिया हुआ, जस्ट आपको मार्कअप फाइंड करना है। तो मार्कअप का फार्मूला मैं आप लोगों को दोबारा भी लिखवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, मार्कअप का फार्मूला आपके पास है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो मार्कअप इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपके पास है 75,500, आर का मतलब है रेट, रेट आपके पास है 9%, टाइम उन्होंने 4 इयर्स का दे दिया और डिवाइडेड बाय 100 ऑलरेडी फार्मूले में है, इसलिए 9 के साथ परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास मार्कअप आ जाएगा 27,180 रुपीज इज द मार्कअप अमाउंट। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 की जाने बढ़ते हैं। उजाला बॉट अ कार फॉर 280,000 एंड स्पेंट 12,000 मोर ऑन इट। ये क्वेश्चन नंबर 4 जैसा हो गया कि एक गाड़ी खरीदी 280,000 रुपए की और 12,000 उसके ऊपर लगा लिए, 12,000 उसके ऊपर लगा लिए। सेल प्राइस फाइंड करे अगर वो 7.5% प्रॉफिट चाहती है। ये क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में उजाला बॉट अ कार फॉर 280,000, तो कॉस्ट प्राइस इज 280,000, ये कॉस्ट प्राइस है। स्पेंट रुपीज 12,000 ऑन इट, तो 12,000 इसमें प्लस कर देना, क्यों, क्योंकि 12,000 रुपए गाड़ी पे लगा लिए, इसका मतलब है कि इसको गाड़ी 292,000 की पड़ गई, क्योंकि जितने उसने लगा लिए ना वो भी तो कॉस्ट प्राइस में शामिल हो गए। 280,000 की खरीदी, 12,000 ऊपर रिपेयरिंग के लगा दिए, तो इसका मतलब है 292,000 का इसको गाड़ी पड़ गया। आपको सेल प्राइस निकालना है जबकि प्रॉफिट का परसेंटेज आपको दिया है कि वो चाहती है कि वो 7.5% अर्न कर दे, 7.5% वो अर्निंग चाहती है। अब इसको हम सॉल्व करना शुरू कर लेते हैं। पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे कि 7.5% प्रॉफिट कितना बनता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिया कि जब भी आपने प्रॉफिट निकालना हो तो आप प्रॉफिट के परसेंटेज को कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मच सिंपल, कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 7.5% को खत्म करने के लिए नीचे 100 लगा दे मल्टीप्लाई बाय 292,000। अब ऊपर पॉइंट है तो पॉइंट को खत्म करने के लिए आप नीचे एक जीरो और लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1,000 मल्टीप्लाई बाय 292,000। ये 30 इस 30 से कैंसिल हो गए और आप 75 को 292 से मल्टीप्लाई करें। जब आप 75 को 292 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 21,900 रुपीस। ये आ गया प्रॉफिट। ये क्या आ गया बेटा? प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट के बाद आप मालूम करेंगे सेल प्राइस। तो सेल प्राइस तो बहुत इजी हो गया भाई। सेल प्राइस आपको तो पता ही है कि कॉस्ट प्राइस के साथ आप प्रॉफिट को क्या कर ले, प्लस कर देना। अब कॉस्ट प्राइस आपके पास है 292,000 और प्रॉफिट आपके पास है 21,900। तो जब आप इसको प्लस करेंगे, प्लस 21,900, तो ये बन जाएगा कितना भला, सॉरी दोबारा करा देता हूँ, 21,900 के साथ आपने 292,000 प्लस करना है, 292,000 आपने प्लस करना है, तो इससे बन जाएगा 313,900, मतलब 13,13,900 रुपए में वो सेल करना चाहती है या उसने सेल कर दिया, इसलिए उसको 7.5% प्रॉफिट हुआ। वेरी इजी क्वेश्चन।
Okay, students, question number 7. The price of a bicycle, including markup, is 5610 rupees. If the markup rate is 5% per annum, find the amount of markup for 146 days. Very easy question. Question number 1 जैसा ही है, ठीक है? Question number 1 जैसा ही है. Principle इसकी थोड़ी सी wording change है, लेकिन उससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना. Price आपके पास है 5600, मतलब ये principal amount है. 5610 principal amount है. Markup का rate आपको दे दिया 5%. Markup मालूम करना है. Markup आप लोगों ने find करना है. Okay? Question number 7 हम कर रहे हैं. इसमें टाइम की थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं. बाकी क्वेश्चन उसी जैसा है. टाइम दिया उन्होंने 146 डेज, तो अगर टाइम को डेज से आपने ईयर में कन्वर्ट करना हो तो आप 146 को 365 पे डिवाइड करें तो ये इयर्स में चला जाएगा, ठीक है? क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो इसलिए आपने डेज से ईयर में कन्वर्ट लाजमी करना है, क्योंकि फार्मूले में हमें ईयर वाला फार्मूला दिया है. तो आप 146 को 365 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास टाइम आ जाता है. अब आप मार्कअप का फार्मूले लगा दें, वो क्या है भला? वो है PRT डिवाइडेड बाय 100. तो मार्कअप इज इक्वल टू प्रिंसिपल 5610 मल्टीप्लाई बाय R, 5 है, और डिवाइडेड बाय 100 लिख ले, और अब टाइम लिख लेना. तो टाइम का 146 ऊपर लिखना और 365 जो है वो नीचे लिख लेना, क्योंकि वो फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ आएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ आएगा. अब आप इसकी कैलकुलेशन में कटिंग लाजमी करें, क्योंकि इस तरह इतनी लंबी कैलकुलेशन गलत हो जाती है. कटिंग सिंप्लीफाइड करें कटिंग के जरिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 112.20 रुपीस. ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. खुशी बॉट अ कंप्यूटर फॉर रुपीस 100,000. कितने का कंप्यूटर खरीदा? एंड पेड अ मार्कअप ऑफ 25,000 फॉर 2 इयर्स. क्योंकि शॉप वाले सेल्स ने लोन पे खरीदा कि मैं कैश नहीं दे सकती, तो मार्कअप में 25,000 एक्स्ट्रा दे दूंगी. मतलब 1,00,000 का कंप्यूटर है, 25,000 एक्स्ट्रा देगी और 2 साल में ये पैसे अदा करेगी, ठीक है? मार्कअप रेट मालूम करें. क्या मालूम करना है? मार्कअप रेट. तो वही फार्मूले लगेगा और ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा हो गया. क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही हो गया ये एक्सरसाइज 7.2 की. क्वेश्चन नंबर 1 जैसा हो गया ये. उसने क्या किया बेटा? प्रिंसिपल अमाउंट आप 100,000 डाले, 100,000 प्रिंसिपल अमाउंट है. मार्कअप इसने दे दिया 25,000. टाइम है इसके पास 2 इयर्स. मार्कअप रेट मालूम कर ले. तो आपको पता है मार्कअप का फार्मूला क्या है? मार्कअप का फार्मूला है PRT डिवाइडेड बाय 100. मार्कअप की जगह लिख ले 25,000, P की जगह लिख लेना 100,000, R की जगह लिख लेना मालूम नहीं है, R ही लिख लेना, टाइम की जगह 2 और 100 से डिवाइड. सिंप्लीफाई करो, ये दो जीरो इस दो जीरो से काट लो, तो 25,000 is equal to 1,000 multiply by 2 कर लेंगे तो 2,000 हो जाएगा, multiply by R. 2,000 इस साइड पे आके डिवाइड कर लेना is equal to R. ये तीन जीरो इस तीन जीरो से कट गए, तो जस्ट आपको 25 2 पे, इसलिए कहता हूँ कटिंग किया करें, इजी हो जाता है. तो 25 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आ जाएगा 12.5%, क्योंकि रेट हमेशा परसेंटेज में होता है. तो मैंने आप लोगों को ये एक्सरसाइज भी पूरे का पूरा सॉल्व करवा दिया. मतलब मैंने 3 वीडियोस में, फर्स्ट लेक्चर में 7.1 करा दिया और साथ में 7.2 का पहला क्वेश्चन, फिर दूसरे लेक्चर में मैंने आप लोगों को 7.2 के कुछ क्वेश्चंस कराए, और ये तीसरे लेक्चर में 7.2 आप लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक है? तब आप लोग उसको एक नजर देख लेना, और मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में कल इंशाल्लाह आप लोग को नया एक्सरसाइज पढ़ा